डेट्रॉइट के सितारे। सेलुलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं अभिनेता यतीन्द्र कारेकर से। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। यतीन जी, विविध भारती के स्टूडियो में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे श्रोता भी आपको सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, लालायित हैं, तो देर क्यों। कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आके आपके साथ और आपके श्रोताओं के साथ बात करने का मौका दिया। जी कहिए। आपको देखते हुए, आप चूंकि मेरे सम्मुख हैं, आपके सीरियल्स और आपके एड्स और आपकी फिल्में, ये सब कुछ मेरे नजरों के सामने से जा रहा है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये सब तो बताएंगी ही क्योंकि वो भी आपको देखते रहते हैं। मैं आपको आपके बचपन से लेके पूछूंगी। जरूर। तो बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा। बचपन के लिए मुझे सचमुच बचपन में जाना होगा। वो ऐसे कि मेरे डैडी मम्मी दोनों डॉक्टर हैं। जी। मेरे डैडी डॉक्टर शरद कारेकर नेत्र तज्ञ हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। जी। और मेरी मम्मी जी वो भी डॉक्टर हैं और वो अभिनेत्री भी हैं। क्या मतलब, हम सब उनको जानते हैं जो जी हाँ, आप हाँ। जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं उनको जी। उनका नाम है ज्योत्सना कारेकर जी। और आप सुलभा देशपांडे का नाम उनको भी जानते हैं। जी बिल्कुल, वो तो मेरी मौसी है। ओ। मेरी माँ की छोटी बहन है सुलभा जी। जी जी। और अब तो आपने भाप लिया होगा मैंने एक्टिंग कहाँ से सीखी। बिल्कुल, मैं सवाल नहीं करूंगी। वो तो मेरे खून में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात। तो मुझे एक्टर होना ही था जी। और बचपन से लेके आज तक मेरी माँ ने मुझे बहुत सहारा दिया है, सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि बॉय, यू हैव अ टैलेंट, आपको टैलेंट, आप में टैलेंट है, आप में कला है, जाओ आगे बढ़ो और उसे सबके सामने प्रस्तुत करो। मतलब बचपन ही से आपको अभिनय का शौक रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही था। तब मैं बहुत छोटा था, शायद 2 साल का था। हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र का था। तब सुलभा आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ स्टेज पे घसीट लिया और कहा कि जाओ बेटा, कुछ नहीं, डरो नहीं, करो सबके सामने जो तुम यहाँ करते हो पीछे रूम में चुपके चुपके टॉवल लगा के, वो करो करो सबके सामने। तो बहुत, और मैंने पता नहीं, डर सा बिल्कुल नहीं लगा। जो नॉर्मली अलग छोटे छोटे बच्चों में डर होता है, वो डर बिल्कुल नहीं था। वो एक उत्स्फूर्त, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी और मैं कर गया जो करना था। मुझे डॉक्टर की एक्टिंग करनी थी। अच्छा। और मैं, हालांकि डैडी मम्मी दोनों डॉक्टर हैं। बिल्कुल। एक सुई भी लगा दी किसी को? नहीं, नहीं वो तो नहीं, सुई थी नहीं। अच्छा। भगवान की ऐसे सुई थी नहीं, वरना वो भी लगा देता। बचपन में मुझे शौक था मछलियां पालने का। पालने का? जी जी जी। मुझे लगा कि पकड़ने का। नहीं नहीं नहीं, पकड़ने का नहीं, क्यों मारे बेचारे को। सही बात है, जिंदा वो जान जी, है उसमें जी। तो छोटी कांच की टैंक में मेरे मामा थे, वो मछलियां रखा करते थे पानी भर के, और मैं घंटों उनको देखा करता था। लेकिन होती ही है ऐसी चीज, वो मछलियां जिस तरह से वो तिरती है, उनके सुंदर सुंदर रंग और बहुत, और कहते हैं उसमें आजकल पता चला है कि एक थेरेपी के जैसा उसका इस्तेमाल होता है। इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर अपना कम करने में बहुत तो उनका उनकी मदद होती है। तो मैं बचपन में देखा करता था और इच्छा ये थी कि जो मैं खा रहा हूँ उनको खिलाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप जानते हैं, अगर वो हम जो खाते हैं वो उनको हजम नहीं होता, तो वो मर जाती थी। और मुझे बहुत दुख होता था कि क्यों। और मैं मामा जी को हैरान किया करता था कि नहीं नहीं आप कुछ। तब मैंने तय कर लिया कि मैं कोई ऐसी रिसर्च करूंगा जिसमें इन मछलियों का खाना मैं बनाऊंगा
और ये अच्छी हेल्दी हो जाएंगी। मतलब उस समय जो आप आलू बड़ा चिवड़ा फरसान वगैरह कुछ खिलाते होंगे। आओ बेचारी मर जाया करती थी क्योंकि वो उनका खाद है नहीं। जी यतीन जी, जो बात संस्कारों की होती है जी, तो उसके लिए आपने तो कहा कि पूरा घर अभिनय के लिए तो वो संस्कार आपको मिले। हाँ जी। लेकिन एक पूरा व्यक्तित्व जब बनता है वो तो बचपन से ही गढ़ता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको किन लोगों से संस्कार मिले? अच्छा सवाल पूछा कंचन जी आपने, मुझे मतलब एक सुनहरा मौका दिया है आपने मुझे कितनों का शुक्रिया अदा करने का। आप देखिए, सबसे पहले तो मेरे डैडी मम्मी हैं, और फिर मम्मी के चाचा हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे संस्कार दिए हैं। डिसिप्लिन क्या होती है, एक एक जीने का ढंग क्या होता है, वो इनसे मैंने सीखा है। और उसके बाद सुलभा जी हैं, सुलभा आंटी, सुलभा देशपांडे, जयदेव हटंगड़ी, रोहिणी हटंगड़ी, और बहुत सारे मेरे गुरु हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी मुझे क्या कहते हैं, आपको संवारा, संवारा है। हाँ। जी, सच, करेक्ट वर्ड यूज किया आपने, संवारा है मुझे उन्होंने। उन्होंने मुझे एक शिल्प की तरह क्रिएट किया है। हाँ। बहुत अच्छा कहा है आपने। लेकिन यतीन जी, बचपन जो होता है वो बहुत बदमाशियां और न जाने क्या क्या वो बच्चे रचते रहते हैं, वैसा कुछ आपका वो था या शांत प्रकृति के ही रहे आप? जी, एक अबाव एवरेज चाइल्ड ही था मैं। बिल्कुल कोई ब्रिलियंट स्टडीज में, शिक्षा में ब्रिलियंट या एकदम ऊपरी हिस्से में था नहीं। एवरेज स्टडीज थी, बायोलॉजी में मैं बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स में सबसे खराब था। और बिल्कुल बिल्कुल मुझे क्या कहते हैं, पुश देना पड़ता था कि भैया मैथ्स करो, गणित, खैर जीवन का गणित तो गणित ही होता है जी। तो बचपन में मस्ती इतनी नहीं किया करता था। लेकिन क्योंकि डांट से बहुत डर लगता था, बहुत डरता था मैं, और डैडी की डांट से तो बहुत डरता था। डैडी सिर्फ देख ले मुझे तो मैं तो पानी पानी हो जाता था, इसलिए भैया मस्ती मत करो, डैडी ऐसे देखेंगे नहीं, तो उनको इससे ज्यादा मस्ती नहीं की। लेकिन कॉलेज में आने के बाद बहुत बड़ी मस्ती की। अच्छा, लेकिन कॉलेज की मस्तियों के बारे में मैं आपको आगे जाके पूछूंगी, इससे पहले आप जरा अपना बचपन ही थोड़ा सा भूल जाएं। हाँ। लेकिन जाते जाते एक अच्छा सा गीत भी सुनते जाएं। कंचन जी, अमिताभ जी की आवाज में मिस्टर नटवरलाल का गीत है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, जा रहा था नहीं, आ रहा था नहीं, नहीं जा रहा था। बताता हूं बताता हूं, नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ,
हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो। यतीन जी, बचपन का किस्सा सुनाते सुनाते आप जवानी की बातों पे आ गए थे, तो जवानी के शौक क्या फरमाए आपने, मतलब अभी भी, आज भी? मैं तो जवान आज भी हूँ और सदा रहूंगा। जवान इंसान दिल से होता है, यही दुआ हम भी करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवानी के किस्से, जवानी में ज्यादातर मैंने हमेशा नाटक ही किए, यानी थिएटर किया है। नाटक का मतलब थिएटर है। तो प्लेज किया करता था, सिर्फ बात ये थी कि चुपके चुपके किया करता था, क्योंकि डैडी मेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ड्रामा करूं। हाँ, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। नहीं, नहीं। मैं बनता भी डॉक्टर, लेकिन मैंने उनको देखा था जिस तरह से वो काम करते थे दिन रात एक करके। मैं डर गया था कि मैं क्या मैं उनकी परीक्षा में खरा उतर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने शायद डॉक्टरी नहीं की। लेकिन मुझे प्लेज नाटक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, और नाटक सिर्फ एक्टिंग नहीं, नाटक के सारे अंग, जैसे प्रकाश योजना है, या कॉस्ट्यूम्स है, या मेकअप है, या सेटिंग है, डायरेक्शन है, साउंड है, सारी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। और मैं हर क्या कहते हैं प्ले में हर डिपार्टमेंट में घूम कर आया करता था, और इसलिए लोग मुझे लेना पसंद करते थे। अच्छा, तब बात ये थी कि अब कैसे बताऊं, डैडी आज सुनेंगे तो आज मुझे बहुत पिटाई होने वाली मेरी, मैं जानता हूं। अब डैडी, क्योंकि डैडी से छुपकर ये करना पड़ता था, अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, और कहीं से उनको उनके कान पर भनक पड़ जाए तो मेरी तो पिटाई होने वाली है, वो श्योर है। इसलिए मैं सबको चुप करा के, इनफैक्ट मेरे दोस्त यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही था। तो मैं सबको कहा करता था कि भैया नहीं नहीं, किसी को बोलना नहीं, डैडी को बोलना नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मम्मी को घर पे किसी को तो बताना जरूरी था, तो मैं मम्मी को बताया करता था, और जाके चुपके से रिहर्सल को जाया करता था, और वापस आके कहा करता था नहीं डैडी मैं तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, एक्स्ट्रा लेक्चर हो रहा था। बिल्कुल एक्स्ट्रा लेक्चर हो रहा था। तो और दो बार यूं हुआ कि मुझे तो मिल गया प्राइज। हाँ। मुझे बख्शीश मिल गया, और अब पेपर में छप गया। वाव। तो मैं क्या करूं, उस दिन जो मैं डरा हूं, बाप रे। लेकिन भगवान की दया से मम्मी ने, मेरी माँ ने डैडी को पहले ही बोल दिया था कि अपना बच्चे को टैलेंट है, अपने बच्चे में तो उसको सपोर्ट देना चाहिए।
और फिर डैडी ने एक बार आकर जब मेरा प्ले देखा, मेरा नाटक देखा, तो उनको भी यकीन हो गया कि नहीं, इसमें टैलेंट है तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। और तब से आज तक वो शायद वो मेरे सबसे बड़े फैन रहे हैं और मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी रहे हैं वो। जी, समीक्षक भी रहे, उन्होंने एकदम करेक्ट मुझे, क्योंकि वो भैया उन्हीं की क्या कहते हैं पैदाइश हूँ, तो वो अपने आप को जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, मुझे तो अंदर बाहर से जानते हैं वो। तो मैं किस तरह से मुझे अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहिए, ये उनसे बेहतर मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। वाह, ये तो बड़े बहुत बड़े गुरु बन गए। मतलब जी, सबसे बड़े गुरु हैं जी। यतीन जी, बचपन में बच्चे नादानियां करते हैं, विध्वंसिया करते हैं, जवानी में आके जो नादानियां होती हैं वैसी भी कुछ कॉलेज के दिनों में क्या कहें, एक काम करते हैं, इस बात पे हम एक गाना सुन लेते हैं। जी मैं थोड़ा सा सुनाऊं? हाँ हाँ। ये जवानी है दीवानी, आ मेरी रानी रुक जाओ रानी। ये जवानी तारा रुरु है दीवानी, तारा रुरु ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। हे हे, गिलगिली अखा गिलगिली अखा गिलगिली अखा, बिली 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 गिलगिली अखा गिलगिली अखा गिलगिली अखा, बिली 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 बिली। ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। देखो तोबा तोबा, बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। यतीन जी, आपके मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर जी, आपके छोटे भाई डॉक्टर जी, तो आप डॉक्टर नहीं एक्टर, मतलब तर रह गया डॉक की जगह एक्ट आ गया। आपकी पढ़ाई में किस विषय में आपका रुझान रहा? मेरी रुचि तो हमेशा बायोलॉजी में रही है, जैसा मैंने कहा मुझे गणित इतना अच्छा नहीं लगता था, पर जो कि मैंने देखा था डैडी और मम्मी दोनों को बहुत मेहनत करते हुए, मैं डर गया था कि शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँ, तो मैंने ये तय कर लिया, और झुकाव मेरा तो बायोलॉजी की तरफ था, उसमें जूलॉजी में था जी। तो जो जीव शास्त्र कहते हैं जी। फिर उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं एक साल के लिए भोसला मिलिट्री स्कूल में था। जी जी जी, वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट तय किए कि मैं लूँगा बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी में मेजर करूँगा बीएससी के लिए, और अगर हो सके तो एमएससी कर लूँगा अगर बात हो सके तो। इतनी मेहनत करने का अगर इरादा हुआ तो हाँ। तो ये करते करते, और साथ में स्टेज तो करना ही था मुझे, नाटकों में काम करना था, इसलिए हमेशा ये बैलेंस जो मेंटेन करने वाली बात होती है, मेंटेन करने की कोशिश की मैंने, कहीं कहीं गिरा लेकिन उठ पाया मैं,
क्योंकि बायोलॉजी मेरा जैसे मुझे नाटक अच्छा लगता था, बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता था विषय। और फिर आगे जाके मैंने बायोलॉजी में यानी मरीन जूलॉजी में MSc की। वाह जी। और अपना फिश फार्म भी सेटअप कर लिया। फिश फार्म मैंने जैसा आपने सोचा था बचपन में कि मैं ये करूंगा। जी जी। वाह। जो मैंने मन में ठानी थी, ये तो काबिल-ए-दाद है। शुक्रिया शुक्रिया। जो मैंने मन में ठान लिया था वो मैंने पूरा किया। और अब आप देख ही रही हैं कि मेरा फार्म भी चल रहा है और मेरी एक्टिंग भी चल रही है। ये दोनों हाथों में हाथ डाले जैसे आपके साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। एक दाहिना हाथ है, एक बाया हाथ है, सही समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये बताइए ना कि एक करियर के नुमा आपने एक्टिंग को चुन लिया। जी। ये भी है। जी। फिश फार्म तो है ही। तो उसका सिलसिला कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई और आज तक का? हाँ, शुरुआत हुई एक्चुअली ट्रेनिंग जो होती है वो मेरी शुरुआत हुई बहुत बचपन में। जैसा मैंने कहा कि 2 साल की उम्र से शायद मैं स्टेज पर हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैंने एक्सपीरियंस लेना तब से शुरू कर लिया। और एक एक्टर को जो डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है वो डिसिप्लिन मैंने अपनी मौसी से, अपनी माँ से, या जयदेव जी हैं, जयदेव अटंगड़ी जी हैं, या अरविंद देशपांडे, या कमलाकर सारंग, ये जो मराठी थिएटर के जो दिग्गज अभिनेता और जानकार लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, इनसे मैंने ट्रेनिंग ली। और धीरे धीरे करते हुए मैं कॉलेज में आया। और कॉलेज में आया तब मुझे इच्छा एक बार ये हुई थी कि सारी पढ़ाई छोड़ दूँ और चला जाऊँ एक्टिंग करने। वैसे भी कोई काम नहीं आने वाली थी, ऐसा मुझे तब लग रहा था। अब नहीं लगता, अब मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि नहीं भैया, पढ़ाई करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैंने ये किया कि मैं गया गोविंद जी के पास, यानी गोविंद निहलानी जी के पास। गोविंद निहलानी जी, अमरीश पुरी जी, सत्यदेव दुबे जी, ये सारे मेरी माँ के कलीग्स रहे हैं। मेरी माँ ने उनके साथ काम किया है और उन्होंने मुझे छुटपन से देखा है। मतलब एकदम दूध पीता बच्चा था मैं, तब से उन्होंने देखा है। तो मैं हक से गया उनके पास, मैंने कहा कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं क्या करूं। तब गोविंद जी ने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा मैं तुझे इस लाइन में आने तब दूंगा जब तू अपनी डिग्री हासिल करेगा। मतलब पढ़ाई कुछ पूरी हो जाए। पढ़ाई कुछ पूरी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर आ जाऊँगा आपके पास। तो ऐसा करते करते मैं पहुँचा BSc तक। फिर BSc कर ली, तब मुझे वो नाटक का जो चस्का होता है वो लग गया था। और फिर इसलिए मैंने कॉलेज में, मैंने कहा चलो और 2 साल कॉलेज में रह लेते हैं चुपचाप, और 2 साल ड्रामा करने को मिलेगा। वो कैसे जुटा लिया आपने? MSc कर लिया। अच्छा। MSc कर लिया और साथ साथ नाटक चलता रहा कॉलेज में, क्योंकि इंटर कॉलेजिएट थिएटर जो है, मराठी इंटर कॉलेजिएट थिएटर जो है, वो बहुत ही उम्दा है। उसमें हजार तरीके के एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग होते हैं और बहुत ही रिच है। खैर, उसमें एक अलग तरह का स्पिरिट होता है, एक आत्मा अलग होती है और वो माहौल कुछ अलग ही होता है। ये कॉम्पिटिशन्स हेल्दी होती हैं और ऐसी कंपटीशन जरूर होनी चाहिए और स्टूडेंट को उनमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। एक पर्सनालिटी बनती है और ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। पहले आप खुद गा के सुनाएंगे। अरे बाप। फिर हम सुनेंगे। ठीक है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे।
यतीन जी, जब भी आपको मैं अभी सामने आपको देख रही हूँ तो मुझे वो आटा वाला जो एड है वो याद आता है और शांति जो सीरियल थी उसको काफी सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन मतलब अभी भी आपके इस करियर में कई फेदर्स इन योर कैप कहें तो वो जुड़ते ही जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सिलसिलेवार बताइएगा। तो जैसा कि आप जानती हैं, मैं मेरी शुरुआत तो थिएटर से हुई, पर जब मेरा फार्म सेटअप हो गया उसके बाद तो मेरे पास खाली वक्त बहुत हुआ करता था और तब मैं वहाँ फार्म पे, जैसे मैं बचपन में नाटक किया करता था आईने के सामने या चुपके से, यू नो, एक छोटी सी रूम में जो चुपके से वहाँ देखा करती थी, तो वहाँ पे मैं फार्म पे शुरू हो गया करना। तो ये मेरे पार्टनर ने देख लिया, वहाँ फार्म के बिजनेस में मेरा एक पार्टनर है, उसने देख लिया और उसने कहा मुझसे कि तू, तुझमें इतना टैलेंट है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा जा बम्बई, या बॉम्बे इज योर प्लेस, तुम बम्बई में रहो, वहाँ पे ये और जो फार्म का जो है वो संभाल लेगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। और मैं बम्बई आ गया। बम्बई आने के बाद मैंने पहली तो शुरुआत की एड फिल्म्स में, अपना पोर्टफोलियो करवाया और चला गया एड फिल्म की दुनिया में, उनको फोटोज दिखाए। अच्छा, सब पहले तो कह रहे थे हाँ भैया ठीक है, कोई आ गया है लड़का कोई। मेरा एक दोस्त वहाँ पे मिल गया मुझे, वो बिपिन, उसने कहा कि तेरा पोर्टफोलियो दे दे। मैंने कहा ये लो फोटो, और उसने सारे लोगों को बांट दिए मेरे फोटो। और तब पता नहीं कहाँ से एकदम वर्षा होने लगी एड फिल्म्स की, और एड फिल्म्स पे एड फिल्म्स आती गई, एड फिल्म्स पे आप शायद उस दिन, दो सालों में मैंने 300 एड फिल्म्स की जी जी जी, और उनके साथ साथ सीरियल्स भी हो रही थी, शांति हो रही थी, चट्टान हो रही थी जी। तो और एड फिल्म्स और फिल्म्स भी एक हाथ दो मैंने कर ली, कयामत से कयामत तक में छोटा सा रोल कर लिया, और मराठी फिल्म सरकारनामा में मैंने काम किया। तो ये सब साथ साथ, सब साथ साथ चल रहा था। एक जो स्पेक्ट्रम कहते हैं, पूरा जो इंद्रधनुष होता है, वैसे पूरा का पूरा मैंने स्टेज से लेके फिल्मों तक का वो मैंने पूरा देखा। अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान सितारे हैं फिल्म अभिनेता यतीन्द्र कारीकर। आपसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल वैसे कुछ इंटरेस्टिंग मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूँ जी। मैं लिख भी रहा हूँ, मैंने दो मराठी के एपिसोड लिखे हैं, वो टेलीकास्ट भी हो गए, और अब मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ कैमरा। अच्छा, सीख रहा हूँ, एक्चुअली सीख रहा, ये कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अब इस्तेमाल करना सीख गया हूँ। मतलब सीखना कह रहे हैं, इसके पीछे आपका विनय है जी, आप कह सकती है मेरा विनय है, बिल्कुल विनय है, लेकिन मैं कैमरा सीख गया हूँ, और एक डिजिटल वीडियो कैमरा मैंने खरीद लिया है, और उस पर मैंने अष्टविनायक, जो महाराष्ट्र के अष्टविनायक हैं, आठ विनायक, उनकी शूटिंग की है, और एक सीडी रोम भी मैंने बनाई है। वाह, ये अच्छा है। ये मतलब आपने बचपन ही में कहा था कि अभिनय को अपनाते हुए उससे जो जुड़े हुए और भी अलग अलग वो हैं, अंग हैं, हाँ। उन्हें सीखना उन्हें, बहुत जरूरी हाँ। है एक कलाकार के लिए, और वो इसलिए है क्योंकि एक ही इमोशन, एक ही जो इमोशन जो है अपनी, वो 30 सेकंड में भी दिखानी है एड फिल्मों में, फिल्मों में सीरियल में आधे घंटे में 30 मिनट में दिखानी है, फिल्म के लिए उसे 3 घंटे का वक्त मिल जाता है, और स्टेज के लिए पता नहीं पूरी रात भी मिल सकती है। मैं आपको यही सवाल पूछने जा रही हूँ। अच्छा, आप चूंकि मंच से जुड़े हुए हैं जी, और अभी छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे आप लोगों को परिचित हो चुके हैं जी, लेकिन आप अपने आप भीतर क्या महसूस करते हैं कि मंच पर होना, स्टेज पर होना एक कलाकार, और वही कलाकार जब पर्दे पे चला जाता है तो वहाँ के अभिनय में कुछ फर्क होता है? बहुत ज्यादा फर्क होता है। अभिनय, सबसे पहले मैं अभिनय का एक डेफिनेशन देना चाहूंगा। अभिनय मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड रिप्रोडक्शन, यानी निरीक्षण, समेटना और पुनर्प्रस्तुति। पुनर्प्रस्तुति, हाँ ऐसे कह सकते हैं।
पुनर्प्रस्तुति लोगों के सामने या कैमरा के सामने। अब नाटक में पूरी बॉडी फेस से लेकर मतलब सर से लेके पांव के नाखून तक हमें ऑडियंस को दिखाई दे रही है, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज का, इट इज़ अ वेरी ऑडियो विजुअल मीडिया, उसमें आवाज़ और जो विजुअल है हमारी जो देख रहे हैं वो सब दृष्टि दोनों चीज़ एक संध होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है स्टेज में कि वहाँ पे रीटेक नहीं होते, सबसे डेंजरस बात है, क्योंकि स्टेज में अगर आप डायलॉग भूल गए तो कट कह के ओके वन मोर कहने वाला कोई नहीं होता। वहां पे ऑडियंस तो सीधे जूते उठा के मारती है, बहुत डर लगता है ऑडियंस के सामने जाने के लिए। तो और यही फर्क है स्टेज में और 30 सेकंड में जो एड फिल्म बनती है उसमें कई सिर्फ कुछ सेकंडों के कट्स मिलते हैं आपको एक 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 इमोशन पहुंचाने के लिए। उसी सीरियल की बात लीजिए तो हर एक का साइंस अलग है। ये ब्रॉड साइंस मैंने कह दिया कि निरीक्षण निरीक्षण समेटना और पुनर्प्रस्तुति, ये एक ब्रॉड साइंस हो गया। पर वो जो हर एक मीडिया का जो की जो बात है, जैसे रेडियो भी एक मीडिया है, इसमें आप जैसे जैसे आपकी आवाज भी बुलंद है, इनफैक्ट आई वुड से इट इज अ वेरी नाइस वॉइस, यू हैव गॉट अ वेरी गुड क्वालिटी जी, तो शुक्रिया। नहीं आई मीन इट, क्योंकि रेडियो पर इमोशन देना उन उन विदाउट विजुअल, अगर किसी आपको चिल्लाना हो, गुस्सा करना हो, आपको दुख प्रदर्शित करना हो, आवाज ही एक माध्यम है तो हर माध्यम की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट समझ कर उसे उसी तरह से प्रस्तुत करना ये एक कला है। अब मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। कौन सा गाना सुनाऊं? अब मैं सोच रहा हूँ। आप अपनी पसंद से सुनाएंगे ना? अब एक किस्सा सुनाता हूँ इस पर जी। एक बार हुआ यूं कि मैं अपने घर से तो निकला जाने के लिए अपने कॉलेज जी, और अपनी सोच में था, शायद कुछ डायलॉग याद कर रहा था। पहुंचा मैं रिहर्सल हॉल, वही किया आपने जो आपके मन की बात थी भीतरी, लेकिन बिल्कुल पैर आपके कहीं चल रहे थे, मन कहां। तब और आज मुझे यही गाना याद आ रहा है। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, यानी 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 नाटक से प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा, खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा, क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा। हमसे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल ले दो नैना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह।
हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब से आप हैं मराठी भाषी बिल्कुल और इतनी अच्छी धड़ल्ले से हिंदी बोले जा रहे हैं, तो हिंदी पे जो भाषा प्रभुता की बात मैं कहूँ तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए जब से मैं स्कूल में था, सबसे पहली बात तो मुझे एक बहुत 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 ही अच्छे हिंदी टीचर थे हमारे त्रिपाठी सर, और उन्होंने उनसे मैंने हिंदी सीखी है, और तब मैं सीधा जाके उनसे मिला और मैंने कहा कि मुझे आगे जाके हीरो बनना है, तो मुझे आप हिंदी सिखाइए आप। तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ हिंदी नहीं उर्दू भी सीखो, आपके लफ्ज आपका लहजा ठीक करो सही करो तो हो जाएगा, और ये बात तुम हर फील्ड के लिए हर क्षेत्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने सिर्फ उर्दू ही नहीं, उर्दू थोड़ी सीखी है मैंने, बहुत ज़्यादा तो आती नहीं मुझे, लेकिन संस्कृत का पठन मैंने किया ताकि जुबान साफ रहे, बिल्कुल साफ रहे। और बाकी जैसे हिंदी अपने जो दिलीप साहब हैं उनसे, उनकी फिल्में देखी है मैंने और गाने बहुत सुने मैंने, किशोर दा के गाने सुने, उनके उनके प्रोनाउंसिएशन का जो अंदाज था वो अलग अलग, जैसे वो जैसे आपने तो सुन ही लिया है कि मैं किशोर दा का फ़ैन हूँ, किशोर दा के ज़्यादा गाने गाता हूँ, और मन्ना दा मन्ना डे के प्रोनंसिएशन का अंदाज, लता जी आशा जी बड़े बड़े मतलब एक साफ सुथरापन, तलफ्फुज साफ हो जी बिल्कुल, और इसमें इसके लिए आपने काफी कुछ काम किया, मतलब जी बिल्कुल बहुत मेहनत, ध्यान देकर मेहनत की है। लेकिन यतीन जी मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो आजकल का तो आजकल ये मांग हो गई है कि अभिनेता है अभिनेत्री है तो वो नाचना भी उसको आए, वो गा भी सके, और मतलब जो जो भी कुछ है, फाइट मास्टर भी जैसे हो जाए, ऑल इन वन इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, तो इसके लिए कुछ आपने भी सोचा था? आप कह रहे हैं कि हीरो बनने का तो ठान ली थी आपने मन में बात हाँ हीरो बनने की ठान तो ली थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी बालों की वजह से मैं नहीं बन पाया हीरो, और लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग तो सारी ली हुई है मैंने, सिर्फ भाषा पे ध्यान नहीं दिया है। तो मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में था, उसमें मैंने हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी सीखी है, स्विमिंग सीखा है मैंने, जूडो कराटे वो सीखे हैं, योगा सीखा है मैंने, और ऐसी कई चीज़ें सीखी हैं, जैसे गाना थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की, पर आज क्या कहते हैं मैं बाथरूम सिंगर तो जरूर क्यों आप हमारे यहाँ स्टूडियो में बहुत अच्छा गा रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, शुक्रिया 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 तो इसलिए मैंने रेडियो भी बहुत सुना है, ताकि ये आवाज की बात है, और बाकी तो ये सारी दुनिया मेरी यूनिवर्सिटी है, सीख तो उसी से मिलती है, क्योंकि मुझे जैसा मैंने कहा कि निरीक्षण बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए, आप निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे जी। तो आपको सबसे पहले आपको एक स्टूडेंट एक छात्र बन के रहना पड़ेगा जिंदगी भर। कोई गाना सुनाना चाहता हूँ, कौन सा गाना सुनाओ चलिए दोस्ती पे एक गाना हो जाए। आपने दोस्ती कर ही ली है अभिनय से जी बिल्कुल, तो चलिए हम सुनते हैं आपसे दोस्ती वाला गाना। सुनाए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, अभी आप मेरा साथ मत छोड़िए और स्टूडियो को अभी साथ मत छोड़िए हमारे, पहले गाना सुन लेते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे
हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हरे की अपनी एक अंतर्दृष्टि होती है, इनसाइट कहते हैं हम लोग उसे। तो ये जो दुनिया है चकाचौंध वाली दुनिया, इसका और इसका मिलाप होता भी है या वो टूट जाता है, वो साथ छूट जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए मैं किसानी में ये कहूंगा कि अगर इंसान सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए, अपने आप को इस तरह ढाल पाए, इस तरह वो पेश करे, उसके पैर अगर धरती पर हों, उसका सर अगर अपने कंधे पर हो, तो इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं भैया मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मुझे काली मर्सिडीज ही चाहिए, मुझे इस किस्म के जूते ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। वो इंसान इंसान रहे ये ज़रूरी होता है जी। जिस दिन इंसान इंसान नहीं रहता उस दिन वो एक्टर भी नहीं रहता, वो स्टार बन जाता है। बहुत बखूबी आपने ये फर्क समझाया है। शुक्रिया यतीन जी। आपकी यशस्विता का गुर क्या है? मतलब मैं आपके सामने बैठे हुए लगातार बोलती जा रही हूँ, आपकी आंखें बहुत असरदार हैं। ये आज मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ, सारे ही आपके जो भी दर्शक हैं वो इसकी तारीफ करते हैं, और जो आप बात को अपनी आंखों से समझाते हैं वो जो आपका अंदाज है, इसके अलावा आप क्या समझते कि और आपकी यशस्विता के कौन कौन से ऐसे गुर हैं? बॉडी लैंग्वेज समझना जी, मैं सबसे आंखों के बाद, शायद मैं डॉक्टर का, आंखों के डॉक्टर का बेटा हूँ इसलिए मेरी आंखें शायद हो सकता है। मैं तो क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा, लेकिन आंखें उन्होंने दी है, तो आंखों को शिक्षा मेरी मासी और मेरी माँ ने दी है।
और उन आँखों को शिक्षा देने की अकल भगवान ने मुझे दी है, इसलिए मैं तीनों का शुक्रगुजार हूँ। और आँखों के बाद इस शरीर की ओर मैं देखूँगा, जिसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर हेल्दी हो तो आप किसी भी किस्म का रोल आप कर सकते हैं। जैसे नसीर साहब को मैं बहुत अच्छी बहुत मानता हूँ, बहुत इस इंडस्ट्री के एक पिलर हैं वो, और नसीर साहब कहिए या कमल हसन जी, इन दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये एक कैरेक्टर को, एक व्यक्तिमत्व को पूरी तरह साकार करते हैं। कमल हसन जी का कि एक फिल्म मैं ज़रूर कहूँगा बार बार, वो मैं बाइबल कहता हूँ उसको एक्टरों की, नायकन नाम की फिल्म है, मणिरत्नम जी उनके डायरेक्टर हैं, और उस फिल्म में कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन लाया है कमल हसन जी ने, फ्रॉम यंग टू ओल्ड। वो पूरी एक एक लाइफ हिस्ट्री है उस आदमी के बारे में जी। और उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, माय गॉड, मैं देखता ही रह गया, मैं बिल्कुल देखता रह गया कि ये कैसे कर पाते हैं, ये इतनी अच्छी एक्टिंग, ये सिर्फ आवाज़ से नहीं तो इतनी, उन्होंने, मैंने सुना है उस रोल के लिए उन्होंने अपना वज़न कम से कम 60 से उन्होंने 80 किया था, 20 किलो उन्होंने बढ़ाया था। कमल हसन जी की एक फिल्म है सदमा, उसका गाना प्लीज प्लीज आप सुना दीजिए, ए जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। यतीन जी, आपका नाम यतीन बहुत सोच समझ के कहीं रखा है, ऐसा आपको कहीं किसी ने बताया? यतीन का नाम, यतीन का अर्थ है एसेटिक, पायस, इन प्रेयर, यानी प्रार्थना करने वाला इंसान। तो शायद मैं हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा और हमेशा एक स्टूडेंट बना रहूंगा। और इसी बात को बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका नाम है, नाम का अर्थ है, आप किस प्रकार की भूमिकाएं पसंद करते हैं, पायस या एंग्री यंग मैन रोल, या आप क्या करना चाहते थे और क्या कर नहीं पाए हैं? शायद मैं एक
खुशकिस्मत एक्टर हूँ जो एक समय में शांति जैसे शांति में कामेश महादेवन की 60 साल बूढ़े की भूमिका भी कर रहा था, उसी वक्त चट्टान में शमी कपूर जी के बेटे का रोल अदा कर रहा था, विशाल राज का, जो कि 20-22 साल का था, एक ही वक्त अदा कर रहा था। और इनफैक्ट इसका किस्सा, एक मैं किस्सा बताना चाहूंगा कि लोग मेरे पास आया करते थे कि सर 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 प्लीज 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 एक एक मिनट। मैंने क्या, हाँ भाई क्या क्या काम है? सर 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 हमें एक बैट लगी है सर, आप शांति में कामेश महादेवन है ना? तो मैं क्या करता, हाँ, तो वो उनमें झगड़ा शुरू हो जाया करता था कि देखा मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था कि वो कामेश महादेवन वो चट्टान के विशाल राज है नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैं चट्टान का विशाल राज भी हूँ। तो हक्के बक्के रह जाते थे लोग, अरे इतनी रेंज। फिर आज के लिए डैशिंग एक रोल ऐसा मैं कह सकता हूँ, डिटेक्टिव का रोल आज मैं कर रहा हूँ, सबसे लंबी सीरियल है, 135 एपिसोड हमने कंप्लीट किए हैं। तो वो सीरियल है थरार, उसमें मैं एक डिटेक्टिव लीड सेंट्रल कैरेक्टर का रोल वहाँ पे अदा कर रहा हूँ। और उसी वक्त पैरालिसिस जिसमें जिसको हुआ है वो जिंदर है, वो आप सबने देखा होगा, देश में निकला होगा चांद, वो सीरियल है। और अभी एक सीरियल हमारी आ रही है, वो सीरियल है सावधान अपघात होणार आहे, मराठी में है जी, मराठी में है। यतीन जी काफी मसरूफ हैं आप, कहीं फुर्सत के दो लम्हे भी मिलते हैं या कहना पड़ता है कि दिल ढूंढता है? जी नहीं, मैं तो कहता हूँ दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन जी, दिल ढूंढता। तो यही आपकी पसंद का गीत है, हम सुन लेते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जी आप स्टूडियो में आए और काफी सारा समय आपने हमारे लिए दिया और आपसे बातचीत करते हुए बहुत मजा आया, और ऐसा नहीं लगा कि किसी भी स्टार के साथ, आप बहुत बड़े हैं, आप अपने अभिनय के क्षेत्र में बहुत ऊंची हस्ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा दबाव मन पे नहीं महसूस हुआ। तो के लिए भी मैं इसका श्रेय आप ही को दूंगी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया कांचन जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि
यहाँ आकाशवाणी में बहुत कई साल आना चाहता था, लेकिन काम की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तो अभी शकुंतला जी जो हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि नहीं 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 नहीं, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आ ही जाते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा कुछ बन गया हूँ ज़रूर। तो उसके लिए मैं मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फिर इजाजत लेते हैं। जरूर, धन्यवाद। थैंक यू। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में अभी आप अभिनेता यतीन्द्र कारीकर से कांचन प्रकाश संगीत की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।